welcome or welcome back to my channel everybody. My name is Himani and I'm back with yet another new video. And सबसे पहले तो आप सभी को कान पकड़ के I am so sorry to my all wonder fam. I mean आप सभी को literally दिल से so sorry. क्यों? क्योंकि मैं दिल से खुद को मुझे बुरा फील हो रहा है दैट मैं बिल्कुल भी कंसिस्टेंट नहीं थी टुवर्ड्स माय यूट्यूब चैनल. जब से मैंने गुजरात वाली सीरीज मेरी खत्म हुई है उसके बाद से मैं किसी वीक तो वीडियो डालती हूँ, किसी वीक मैं नहीं डालती हूँ. और कई बार ऐसा हो जा रहा है कि बहुत सारी चीजें चल रही है यार. और इस वीडियो के बनाने के पीछे का मेरा एक ही कारण था कि आप लोगों के साथ मैं एक पक्का वाला कमिटमेंट कर दूं कि जैसे पिछले साल अच्छे से हर वीक दो वीडियोस आया करते थे, वन इन ट्यूसडे वन इन सैटरडे, तो अब मैं वो कंसिस्टेंसी जो है उसे बरकरार रखना चाहती हूँ. मैं बिल्कुल भी वो ब्रेक नहीं करना चाहती हूँ. दैट्स वाई आई वॉन्टेड टू क्रिएट दिस वीडियो. एंड ये बनाने के बाद ना क्या होगा ना, मुझे एक अच्छी सी एनर्जी आ जाएगी. अब क्या हुआ पिछले वाले कुछ टाइम में जो कि मैं कंसिस्टेंट नहीं थी और क्या कमी रही और वट एवर, ये सब कुछ मैं आपको ना बताऊंगी. हाँ, मैं जितना हो सकता है आप लोगों के साथ शेयर करूंगी कि क्या हुआ, मेरी सेहत थोड़ी सी डाउन थी एंड वट एवर हैपेंड, कहाँ कहाँ मैंने ट्रैवल किया, क्या मेरे प्लान्स थे, अभी अपकमिंग क्या होने वाला है, इस वीडियो में हम फटाफट से सारा कुछ बात करेंगे. बट बिफोर दैट आई वॉन्ट टू से दिस कि आई एम बैक and I am going to be consistent, I am going to be frequent with my uploads on YouTube, no matter what, literally, जैसे कि मैं पहले थी मैं वैसी रहूंगी, because I know YouTube की जो मेरी audience है, they are different than Instagram. मेरा सारा का सारा जो ध्यान था वो सब कुछ Instagram की तरफ थोड़ा ज़्यादा हो गया था, तो मैं अब ये दोनों का जो balance मेरा पहले था वही मैं बरकरार रखना चाहती हूँ, because I love you guys too so much. हाँ जी, तो yep, यही मैं कहना चाहती थी. तो बस दिन जो है वो सेम रहने वाले हैं. एवरी ट्यूसडे एवरी सैटरडे आई एम गोइंग टू अपलोड न्यू वीडियो ऑन माय यूट्यूब चैनल. अदर देन दैट थोड़ा सा चेंज है वो है टाइमिंग में चेंज कर रही हूं मैं थोड़ा सा. पहले मैं रात के 9 बजे वीडियोस अपलोड किया करती थी. नाउ आई वांट टू ट्राई थोड़ा सा डिफरेंट, लाइक टोटली डिफरेंट. मैं अब सुबह 9 बजे अपलोड करने का सोच रही हूँ. मुझे नहीं पता वो कितना वर्क करेगा नहीं करेगा, आई डोंट नो. मेरे यूट्यूब चैनल पे मैंने बहुत कुछ एक्सपेरिमेंट किए हैं एंड नथिंग इज वर्किंग दैट ग्रेट जो कि मैं चाहती हूँ. उस तरीके से रिजल्ट अभी तक तो नहीं मिला मुझे, बट स्टिल आई विल ट्राई माई बेस्ट. मैं एकदम लगे रहूंगी कंसिस्टेंसी के साथ. ये फर्स्ट मंथ ऑफ 2022 खत्म हो गया है, तो मैंने सोचा ये महीना खत्म हो उससे पहले आई जस्ट वॉन्ट टू फिनिश समथिंग एंड आई जस्ट वॉन्ट टू स्टार्ट समथिंग न्यू. यस, अच्छे नोट पे खत्म भी करते हैं और अच्छे नोट पे शुरू भी करते हैं. तो दैट्स व्हाट आई डिड. और मैं आप लोगों के साथ अभी, ये तो इतनी सारी बातें हो गई है, साथ साथ में मैं आप लोगों को दिखाते भी जाऊंगी ऐसे ये पीछे पीछे वाली स्टोरीज की क्या क्या चल रहा था, सो दैट यू गाइस कैन ऑल्सो रिलेट कि मैं किस बारे में बात कर रही हूँ और क्या यहाँ पे चल रहा था एक्चुअल में हिमानी की लाइफ में, वो भी आप लोगों को थोड़ा पता चल जाएगा. नॉट व्लॉग. तो कहां से शुरू करें? बट शुरू करते हैं 31st December से. तो नए साल की शुरुआत मैं जो है करना चाहती थी कहीं किसी ट्रिप से, जैसे मैंने लास्ट ईयर भी किया था, आई वॉज इन चितकुल. तो इस बार मैं चाहती थी कि मैं कहीं जाऊं, मैं पहाड़ों पर ही कहीं रहूं और वहां पर मैं सेलिब्रेट करूं न्यू ईयर. बट वो प्लान नहीं हो पाया समहाउ, बट आई एंडेड अप सेलिब्रेटिंग न्यू ईयर विद माय फ्रेंड्स एंड फैमिली, लाइक मेरे सिस्टर एंड मेरे फ्रेंड्स कुछ आ गए थे, हम सारे लोगों ने मिलकर जो है चिल किया एंड वी लाइक वी हैड ग्रेट टाइम. सो दैट वॉज दैट. अच्छा रहा न्यू ईयर. और उसके बाद मैंने सोचा कि ओके, न्यू ईयर शुरू हो रहा है तो विल गो समवेयर और विल प्लान समथिंग. लाइक मैंने मेरे सिस्टर के साथ एक ट्रिप प्लान किया, अ प्लेस लाइक हिमाचल और कहीं, क्योंकि सब जगह स्नोफॉल का प्रेडिक्शन हो रहा था तो हम काफी एक्साइटेड हो गए. मैंने बोला लेट्स प्लान धर्मशाला का ट्रिप. ओके, तो वी प्लान दैट ट्रिप, एंटायर ट्रिप वी प्लान, वी बुक बस का टिकट एंड एवरीथिंग. सो ये हमने एक साइड प्लान कर लिया. और दूसरे साइड आई हैड अ प्लान टू गो टू आगरा फॉर 2 days विथ माई ट्रैवल कॉन्टेंट क्रिएटर्स फ्रेंड साहिल एंड निहारिका. तो वो वीडियो आपने ऑलरेडी मेरे चैनल पे देखा है, आगरा बियॉन्ड ताज, जिसमें कि हमने आगरा में ताज के अलावा और क्या क्या है वो एक्सप्लोर किया था.
तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आई वुड हाईली रिकमेंड कि यहाँ पर कार्ट में डालूंगी, आप चेक कर लेना वो वीडियो. बट यस वी वेंट देयर और जैसे ही हम आगरा गए हैं नेक्स्ट डे आई गॉट अ कॉल फ्रॉम माई सिस्टर दैट शी फेल सिक और मैं काफी ज्यादा डर गई थी कि होपफुली शी इज नॉट कोविड पॉजिटिव. फिर भी हमने वी गॉट द टेस्ट डन, टेस्ट करवाया तो इट वॉज नेगेटिव सो दैट वॉज रिलीफ बट स्टिल शी वॉजंट वेल फॉर गुड 4-5 days. तो हमारा वो जो धर्मशाला वाला प्लान था राइट आफ्टर आगरा दैट कैंसल्ड, वी हैड टू कैंसल दैट, तो हमने कैंसिल कर लिया एंड आफ्टर दैट के बाद हमारे पास कोई प्लान नहीं था. मेरा कोई प्लान नहीं था बिकॉज मैं प्लान इसलिए नहीं कर रही थी क्योंकि मुझे लग रहा था ये साल शुरू ही प्लान कैंसिल से हुआ है. लाइक हम जो भी प्लान कर रहे हैं वो सब कुछ ऐसा कैंसिल होता जा रहा है तो आई डोंट वॉन्ट टू प्लान एनीथिंग. और मैं थोड़ी सी ऐसे डिसअपॉइंट भी हो गई थी कि यार ये क्या हो रहा है, मतलब इस साल की शुरुआत ही थोड़ी ऐसी क्यों हुई है, डगमगाती हुई. तो मैंने सब कुछ ऐसे छोड़ दिया, मैंने बोला गो विद द फ्लो, चलो देखते हैं जो होगा. देन वन डे आई रैंडमली आई डिसाइडेड, लाइक वी डिसाइडेड मी एंड माय सिस्टर कि ओके लेट्स गो टू ऋषिकेश टू हैव सम लाइक डिटॉक्स वाला टाइम. एंड मीनवाइल आई डिसाइडेड कि मैं अपना फोन वोन सब कुछ कुछ भी नहीं देखने वाली हूँ, लाइक आई ओनली रिसीव कॉल और मैं 3-4 दिन वट एवर विल बी इन ऋषिकेश, तो वो टाइम ना मतलब कुछ भी नहीं करना है और बस मैं गंगा किनारे बैठ के मेडिटेशन करूंगी एज मच एज आई कैन. मैं फोन नहीं देखूंगी और इंस्टा और ये सब तो मैंने बिल्कुल ही बंद कर दिया था, लाइक कि मुझे बिल्कुल देखना ही नहीं है, दैट काइंड ऑफ थिंग आई हैड प्लान्ड इन माई हेड. और वो मैंने किया, दैट आई डिड, और वो इतना रिलीफ था. वो जो 4 दिन थे वो इतने अच्छे थे कि ऐसा लगा कि भाई सर पे कुछ ऐसा टेंशन नहीं है, वो वाला वो ये नहीं है कि अभी मुझे कुछ अपलोड करना है, अभी आई हैड टू पोस्ट समथिंग और वट एवर, लाइक वो ब्रेक चाहिए था मुझे. वो मुझे उस दिन रियलाइज हुआ, उन 3-4 दिनों में आई रियलाइज कि येस आई नीडेड दिस ब्रेक. और आई एम ग्लैड दैट मैंने ये ब्रेक लिया. तो ये तो हो गई वो ब्रेक वाली बात, वो अब वो ब्रेक ले लिया, वो सब कुछ हो गया. एंड आफ्टर दैट मीनवाइल व्हेन आई वाज इन ऋषिकेश आई डिसाइडेड कि लेट्स गो टू श्रीनगर, क्योंकि ऑब्वियसली मुझे स्नोई प्लेस कुछ कवर करनी थी. मुझे ऐसे विंटर देखने का बड़ा मन हो रहा था, एवरीवेयर इट्स स्नोइंग, एवरीवेयर इट्स वाइट एंड थिंग्स लाइक दैट. तारिका को भी बड़ा मन था बट देन उसको नहीं ले जा पाई क्योंकि उसको ऑफिस से ऑफ नहीं मिला, उसके वर्क प्लेस से ऑफ नहीं मिला, तो वो साथ में नहीं जा पाई. बट या आई प्लान द ट्रिप एंड आई वेंट देयर श्रीनगर. ये भी बड़ा ही एकदम इम्प्रॉम्प्टू, बहुत ही ऐसे जल्दी जल्दी में प्लान किया वाला ट्रिप था, लाइक वीकेंड ट्रिप 3 दिन का. लाइक आई नेवर इमेजिन्ड, आई नेवर मैंने कभी ऐसे सोचा ही नहीं था कि मैं ऐसे वीकेंड सिर्फ 3 दिन के लिए कश्मीर से जाके आऊंगी, ऐसे मतलब जाके आऊंगी, ये मैंने कभी भी नहीं सोचा था. तो दैट्स व्हाट आई डिड और सारे प्रिकॉशन लिए थे लाइक एवरीथिंग. बट यू नेवर नो, पता नहीं कब कहाँ क्या चीज़. अभी क्योंकि वायरस ये वाला बहुत ज़्यादा फैला हुआ है तो या तो मैं सर्दी में बीमार हो गई या तो मुझे सच में बिकॉज ऑफ वायरस आई गॉट अफेक्टेड और वट एवर, आई डोंट नो. आई टुक ऑल द नेसेसरी प्रिकॉशंस एट द सेम टाइम. श्रीनगर कश्मीर में बहुत ही कम टूरिस्ट थे तो वो टूरिस्ट वाली भरमार वाली भी कोई सिचुएशन नहीं थी कि बिकॉज ऑफ दैट आई गॉट अफेक्टेड, ऐसा भी नहीं हो सकता है. सो बट हाँ nevertheless जो होना होता है वो हो जाता है. द डे आई केम बैक उसके नेक्स्ट डे से ही मुझे अच्छा लगना बुरा लग, मतलब थोड़ा ऐसे फीवर और बॉडी एक एंड ये सब होना स्टार्ट हो गया. तो या आई फेल सिक और उसके एक हफ्ते बाद आई एम हियर. आई एम जस्ट सिटिंग राइट हियर टॉकिंग टू यू गाइज. आई एम गोइंग टू एडिट दिस वीडियो, अपलोड दिस वीडियो टुमारो बिकॉज नाउ आई हैव कमिटमेंट की एवरी ट्यूजडे एंड सैटरडे आई एम गोना अपलोड न्यू वीडियो ऑन माई यूट्यूब चैनल. सो गाइज दिस इज इट, लाइक पूरे मंथ का मेरा जो ये था कि ऐसा 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 रहा है. आई नो इस मंथ मैंने ऐसा नहीं है कि कुछ भी अपलोड नहीं किया, ऐसा नहीं है. मैंने अपलोड किया आगरा के 2 वीडियोज और पिछला भी कुछ कुछ मैंने अपलोड किया है. सो इट्स नॉट लाइक कि आई हैवन्ट डन एनीथिंग, आई डिड समथिंग बट सो मेनी थिंग्स आर कमिंग योर वे. ट्रिप की अगर मैं बात करूँ अपकमिंग ट्रिप की तो लिटरली मुझे भी नहीं पता है कि मैं कहाँ जाने वाली हूँ क्योंकि सच में कुछ प्लान नहीं है अभी तक. मोस्ट प्रोबेबली मैं स्पीति जाऊँ बट वो भी नहीं पता मुझे कि आई एम गोइंग और नॉट. तैयारी सारी है बट आई डोंट नो इफ आई एम गोइंग और नॉट. सो मैं कुछ भी नहीं कहना चाहती अभी. ऑल आई वॉन्ट टू से इज कि आप लोग अपना प्यार जो है वो ऐसे ही बनाए रखना. अभी बहुत सारे वीडियोज, बहुत सारा कॉन्टेंट आ रहा है आपकी तरफ तो उस पर ऐसे
ही प्यार बनाए रखना, प्यार बरसाते रहना. आई पोस्ट एज मच एज कॉन्टेंट आई कैन और मैं आप लोगों के साथ हमेशा वो इन्फॉर्मेशन शेयर करती रहूंगी. अभी यहाँ तक वीडियो देख लिया है तो वीडियो को लाइक जरूर करना, सब्सक्राइब टू माई चैनल इफ यू हैवंट ऑलरेडी, एंड विल सी यू विद अनदर वीडियो सुपर सून. टिल देन टाटा बाय बाय नमस्ते.